साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे प्रोपेनोलॉल। प्रोपेनोलॉल जो है हमारे पास टैबलेट है साथियों, 40 mg प्रोपेनोलॉल हाइड्रोक्लोराइड 40 mg टैबलेट, जिसके बारे में हम बात करेंगे। साथियों इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे कि प्रोपेनोलॉल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट 40 mg है क्या। साथ ही साथ हम यूज की बात करेंगे, साइड इफेक्ट, ब्रांड्स की बात करेंगे, प्रिकॉशन एंड डोजेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे साथियों प्रोपेनोलॉल है क्या। तो साथियों सबसे पहले हम बताएंगे प्रोपेनोलॉल इज ए बीटा ब्लॉकर। ये क्या है? बीटा ब्लॉकर एक जो है दवा है, और ये क्या करती है, बीटा ब्लॉकर इफेक्ट द हार्ट एंड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन पे जो है उस पर इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले बात करेंगे डिस्क्रिप्शन की, बीटा ब्लॉकर यूज टू ट्रीमर्स एंड एंजाइना पेक्टोरिस एंड एंजाइना। साथियों होता क्या है, ट्रिमर्स एंड एंजाइना जो छाती का दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, हाइपरटेंशन भी इसको कहते हैं। एंड हार्ट रिदम में जो है इसको जो है हार्ट रिदम डिसऑर्डर जो होता है, बीमारी होती है उसमें भी जो है डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड अदर हार्ट प्रॉब्लम्स, और बहुत सी हार्ट से संबंधित जो है समस्याएं हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड सर्कुलेटरी कंडीशंस, उसमें भी इसका इस्तेमाल, ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें भी किया जाता है। एंड इट इज आल्सो यूज्ड टू ट्रीट और प्रिवेंट द हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ट्रीट एंड प्रिवेंट करता है। एंड दी सीवियरिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी माइग्रेन हेडेक, और ये जो है माइग्रेन आधे सर का दर्द जो होता है साथियों, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ ये साथियों क्या होता है, शेड्यूल एच की दवा है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही जो है केमिस्ट इसको देता है। बहुत से ब्रांड्स में आती है, कंपनी अलग अलग नाम से बनाती है, पर जो केमिकल फार्मूला इसमें मिला होता है, जो कंपोजिशन होता है, वो सभी में सेम होता है साथियों, प्रोपेनोलॉल हाइड्रोक्लोराइड 40 mg। स्ट्रेंथ की बात करेंगे साथियों, प्रोपेनोलॉल हाइड्रोक्लोराइड 10 mg भी आता है, 20 mg भी आता है, 40 mg एंड 80 mg में प्लेन में आता है, और बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको जो है कॉम्बिनेशन में किसी और दवा के साथ भी बनाती है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं साथियों प्रोपेनोलॉल प्लेन हाइड्रोक्लोराइड 40 mg की हम बात कर रहे हैं। तो साथियों ये तो डिस्क्रिप्शन के बारे में हो गया था, साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में। तो साथियों यूजेस में से एंजाइना पेक्टोरिस में इस्तेमाल किया जाता है, जो छाती का दर्द होता है, सीने में दर्द होते हैं। एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको हम शॉर्ट में MI भी करते हैं, इसमें होता क्या है साथियों कि लेफ्ट साइड में जो है शोल्डर पेन करने लगता है, और सीने में हल्का सा दर्द होने लगता है, और बहुत ही स्वेटिंग होने लगती है, अजीब सी उलझन होती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है बीमारी में प्रोपेनोलॉल इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ हाइपरटेंशन में हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है शरीर में, तो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं प्रोपेनोलॉल को। एंड एंजाइटी की समस्या जिस होती है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। कैमरे को सही कर लेना। साथ ही साथ साथियों इसको हम बात करते हैं ब्रेन इंजरी, जैसे किसी मरीज की ब्रेन इंजरी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, तो उसमें भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया, ये एक बीमारी है साथियों, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है साथियों कि मतलब मुँह सूखता रहता है, और आदमी के अंदर पानी की कमी नहीं और प्यास नहीं लगती है, फिर भी पानी पीना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा प्यास लगना, मतलब इसको साइकोजेनिक पॉलीडिस्पेप्सिया कहते हैं, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड फोबिया साथियों एक तरह की बीमारी होती है, जैसे किसी मरीज को क्या होता है कि कुत्ते से जो है बहुत डर लगता है, पानी से किसी मरीज को बहुत डर लगता है, किसी मरीज को बहुत ट्रेन बहुत तेज आ रही है उससे डर लगता है, तो एक तरह से फोबिया होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड माइग्रेन क्लस्टर हेडेक, क्या होता है, आधे सर का दर्द होता है, और उसमें जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेसिव स्वीटिंग, और बहुत ज़्यादा जिन लोगों के पसीना निकलता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आँख की एक बीमारी होती है ग्लूकोमा, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एसेंशियल ट्रिमर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों बहुत से ऐसे उपयोग हैं जो कि मोटा मोटी हमने बहुत से बताए हैं, अदरवाइज बहुत और भी उपयोग हैं, डॉक्टर अपने हिसाब से इसको जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही साथ साथियों इसके हम साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे, हल्के फुल्के इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे नोजिया हो जाता है मरीज को, कभी कभी क्या होता है एब्डोमिनल पेन होने लगता है, इसको खाने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है मरीज को। एंड विजन चेंज हो जाता है, विजन चेंज, इस तरह से इसके कुछ जो है साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं।
प्रिकॉशन की साथियों बात करेंगे तो जिन मरीजों को हाइपोथायराइडिज्म की समस्या होती है उनको जो है ये नहीं लेना चाहिए। एंड व्हेन यू गो टू डॉक्टर और फार्मासिस्ट टेल यूर अबाउट योर मेडिसिन एंड डिजीज। अगर कोई आप दवा पहले से खा रहे हैं तो आप डॉक्टर को बताइए, या कोई पहले से बीमारी है जैसे थायराइड की कोई डिसऑर्डर है उसमें ये दवा नहीं दी जाती है, लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर डिसऑर्डर है तो लीवर के फंक्शन को ये स्लो कर देता है प्रोपेनोलॉल, तो उसमें जो है अवॉइड है। एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, किसी को बहुत सांस लेने की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, तो उस तरह से डॉक्टर को बताना है तभी जो है उसमें नहीं ली जाती है। लेता है कि नहीं लेता है वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। एंड बीटा ब्लॉकर हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसमें नहीं है। एंड सोराइसिस स्किन की एक बीमारी है उसमें इस दवाई का जो है नहीं लिया जाता है। अपकमिंग सर्जरी, अगर किसी मरीज की सर्जरी होने वाली है तो उसको ये दवाई रोक देना होता है। प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन मदर है, लैक्टेड जो प्रेगनेंसी होती है, कुछ माएँ जो है बच्चे को दूध पिलाती हैं तो ये दूध के माध्यम से बच्चे के अंदर जाने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए जो है इसको अवॉइड किया जाता है, नहीं लेना चाहिए। बहुत सी दवाइयों के साथ इसका इंट्रैक्शन होता है, जैसे वारफरीन है, इस तरह से जो है क्या कहते हैं कि कोई हाइपरटेंशन की दवा पहले से अगर खा रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर को बताएं, उसके साथ इसको नहीं दिया जाए। साथ ही साथ साथियों डोज की बात करेंगे तो प्रोपेनोलॉल 40 mg टैबलेट ओरली जो है खाई जाती है दिन में 2 बार, सुबह और शाम, और कभी कभी किसी किसी मरीज को जो है क्या होता है दिन में 1 बार ये जो है दवा दी जाती है। डॉक्टर डोज को अपने हिसाब से सेट करता है। स्ट्रेंथ जैसा कि साथियों बता दिया है 10 mg में आती है टैबलेट, 40 mg में आती है, 20 mg में आती है, 80 mg में आती है, तो इस तरह से ये दवाई आती है। साथियों ब्रांड्स की बात करेंगे, जो इसका फेमस ब्रांड है इंडेराल, इंडेराल जो है ASPL फार्मास्यूटिकल है उसका आता है। एंड इंडेराल LA करके आता है, इंडेराल 40 mg आता है। एंड सिप्लार 10 mg आती है, 20 mg आती है, 40 mg आती है, एंड सिप्लार 80 mg आती है, एंड सिप्लार LA के नाम से भी आती है, तो ये जो है सिप्ला फार्मास्यूटिकल बनाती है। एंड बीटा कैप जो है सन फार्मास्यूटिकल बनाती है। तो साथियों इसी के साथ हम विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी आप हमें कमेंट करें, हम आंसर जरूर देंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।